नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं स्लॉन एनर्जी लिमिटेड की। 2 दिनों से लगातार यहां पर गिरावट है, 5% के करीब ही गिरावट आज भी हुई है और स्टॉक में जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है 57 मिलियन का है। बात करेंगे इस वीडियो में कि स्लॉन की लगातार गिरावट के पीछे का कारण क्या है, दो बड़े रीजन की वजह से यहाँ पर गिरावट है एंड क्या यहाँ पर अभी रुकना चाहिए या फिर निकलना है। अगर आपने देखा हो तो लगातार स्टॉक आपका अपर सर्किट लगा रहा था एंड यहां से देखिए आप अपर सर्किट लगातार लगा था इसमें, तो क्या अभी अगर आप खरीदारी करते हो तो एक अच्छा मौका है खरीदारी करने का या निकल जाना चाहिए, उसकी बात करेंगे। टारगेट क्या होना चाहिए सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए बात करते हैं दो बड़ी खबरों के बारे में। पहला ये है कि फ्यूजन रिन्यूएबल सेक्टर में काम करता है, दैट्स नॉट द बिग न्यूज। यहाँ पे आप जानते हैं कि फ्यूजन एनर्जी जो है आपका वो विंड एनर्जी में काम करता है। जो बड़ी खबर है वो ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे REC करके एक लॉन्च किया है, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, जो कि जो ट्रेडिशनल कंपनीज है जो कोयले से बिजली बनाती हैं, जैसे NTPC हो गया आपका, ये टाटा पावर का बहुत बड़ा हिस्सा है जो ट्रेडिशनल से बिजली बनाता है, हालांकि वो ट्रेडिशनल से हट के रिन्यूअल में भी काम करते हैं, बट स्टिल अगर आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो अभी भी कोयले से बिजली बनाती है, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी कर दिया है कि उनको रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा। यानी कि एक पार्ट जो है उनका 10% 20% जितना भी बिजली बनाते हैं उतने के हिसाब से उनको REC खरीदना पड़ेगा, और वो जो REC होगा वो खरीदेंगे सिर्फ और सिर्फ ऐसी कंपनी से जो कि रिन्यूएबल में काम करती है, चाहे वो फ्यूजन कंपनी हो गई, चाहे वो ऊर्जा ग्लोबल हो गए, JP पावर हो गया, गीता रिन्यूएबल्स हो गया, ये टाटा पावर का बहुत बड़ा हिस्सा भी रिन्यूएबल्स में काम करता है, तो उनसे भी बाय कर सकते हैं। बशर्ते अगर आप देखेंगे तो इससे न सिर्फ छोटी कंपनीज को फायदा होगा, यानी कि गवर्नमेंट का मोटिव क्या है, गवर्नमेंट का मोटिव है कि या तो कंपनीज खुद रिन्यूएबल में ट्रांसफॉर्म हो जाएं या फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी बना रही हैं उनको सपोर्ट करना स्टार्ट करें, और इसीलिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद तो यहाँ पर निवेश कर ही रही है, अराउंड 10,000 करोड़ के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पैसा डाल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट साथ में वो दूसरी कंपनीज को जो NTPC वगैरह है, जो कि रिन्यूअल से अगर बिजली बनेगी तो वो महंगी बिकनी चाहिए, इसी वजह से वो REC लागू करके जो ट्रेडिशनल कंपनीज है उनके ऊपर बर्डन डाल रही है ताकि वो लोग इस छोटी कंपनीज को सपोर्ट करें। इसी वजह से अगर आपने रिसेंटली देखा हो तो 150% के आसपास का रिटर्न आपको ऊर्जा ग्लोबल ने दिया है। गीता रिन्यूअल्स लगातार पिछले 2 महीने से अपर सर्किट लगा रहा है, अराउंड 80-90 रुपीज के आसपास से, सॉरी 126 के आसपास से, वो अभी 216-215 के आसपास ट्रेड कर रहा है आज भी। ओआसिस सिक्योरिटीज जैसे स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि रिन्यूअल्स में बड़ा हिस्सा आया है, रिन्यूअल्स का पार्ट बढ़ा है रिसेंटली और रिन्यूअल्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, और यही कारण है कि फ्यूजन जैसे स्टॉक्स में डिमांड भी बढ़ी है। बिल्कुल आपको खरीदारी करनी है यहाँ पे। सबसे पहले देखिए बात करते हैं गिरावट क्यों हुई है। पहला रीजन है कि अगर आप फ्यूजन की बात करेंगे, फ्यूजन में पहला रीजन है कि जो आपका ये एक बहुत तेजी से रैली हुई उसकी वजह से आउट ऑफ बोलेंजर की जर्नी हुई। आउट ऑफ बोलेंजर की जर्नी जब भी होती है तो वहां पर गिरावट की संभावना बढ़ जाती है, और आउट ऑफ बोलेंजर जर्नी एक्सपेक्ट नहीं करता है कोई भी मार्केट आपके लिए। दूसरा कारण यह है कि टेक्निकल एरर है, पहला टेक्निकल एरर है आपका, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन यहाँ पर है आपका, ये आपका प्रीवियस हाई था, ठीक है, मोस्टली अगर आप देखें तो ये प्रीवियस हाई था, और जब भी आपका डबल बॉटम बनता है, डबल टॉप चार्ट बनता है तो यहाँ से, और आप देखेंगे यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था बट उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ से देखने को मिला, और जब भी इस तरह का ब्रेकआउट होता है 52 वीक हाई ब्रीच करता है तो शॉर्ट टर्म पुल बैक, शॉर्ट टर्म यहाँ पर डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है, और वही डाउन ट्रेंड यहाँ पर बना है। लेट मी रीड दैट, अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर जो ट्रेंड है आपका वो थोड़ा बदला है इस समय पे, 52 वीक हाई जो था आपका वो ब्रीच हुआ, और यहाँ से फिर थोड़े दिनों के बाद जब यहाँ से ब्रीच होता है तो उसके बाद रीजन ये होता है कि जब भी इस तरह का हाई लगाता है, हाई पॉइंट लगाता है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं जो यहाँ से रुके होते हैं। पहला टारगेट, क्योंकि मैंने आपको भी यही बोला था कि 9 रुपए 30 पैसे के आसपास का पहला टारगेट है, अभी यहाँ से ऑटो बोलेंजर बैंड गया, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करा एंड दे वर राइट, यहाँ से थोड़ा प्रेशर बिल्डअप हुआ और मार्केट नीचे आया है आपका। कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपने यहाँ पर बेच दिया है या बेचना चाहते हो, अगर बेचना चाहते हो मेरी राय यही है कि बेचो मत, अगर आप खरीदारी करना चाहते हो एक अच्छा मौका है आपके सामने। लेट मी शो यू डेली चार्ट पैटर्न फर्स्ट। यहाँ पर अगर आप डेली चार्ट पैटर्न देखते हो, थोड़ा सा बहुत अच्छा चार्ट है, थोड़ा सा नहीं बहुत अच्छा चार्ट है मैं बोलूंगा, और ये देखिए आप यहाँ से लगातार अपर सर्किट लगा था स्टॉक ने, यहाँ से शुरुआत की मैंने आपको खरीदारी करने की सलाह दी थी, और लगातार यहाँ से अपर सर्किट लगना स्टार्ट होता है, बहुत अच्छा चार्ट बनता है, यहाँ पे हाई लगता है जब RSI आपका ओवर बॉट जोन में चला गया, अगर RSI का ओवर बॉट जोन में होगा थोड़ा यहाँ पर रिट्रेसमेंट दिखाई देगा, बट वो शॉर्ट टर्म है, ये बहुत शॉर्ट टर्म का रिट्रेसमेंट है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि अराउंड 9 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज का जो
और बोलिंजर का जो मिड पॉइंट है वहां पर आकर के स्टॉक आपका रुकेगा और यहां से दोबारा से एक अच्छा हाई लगाएगा। ये ही ट्रेजेक्ट्री है स्टॉक की, ठीक है। आपको अगर खरीदारी करनी है, एक अच्छा मौका है खरीदारी करने का। उसके पीछे कई बड़े कारण है, जैसा मैंने बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न सिर्फ खुद खरीदारी कर रही है, खुद निवेश कर रही है, बल्कि वो दूसरी कंपनीज को भी यहाँ पर प्रोत्साहित कर रही है, एक तरह से रेगुलेट कर रही है टू बाय इनटू रिन्यूएबल सेक्टर और टू इन्वेस्ट इनटू रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट। अभी रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट बढ़ना चाहिए। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ नेट कार्बन जीरो एमिशन का जो एक गोल सेट कराए हैं मिस्टर मोदी प्रधानमंत्री साहब, तो उसके बाद अभी इंडिया को मिशन मोड में काम करना पड़ेगा। 2030 तक 50% ऑफ आवर एनर्जी कंजम्पशन मस्ट कम फ्रॉम रिन्यूएबल सेक्टर, और इसी वजह से आपको रिन्यूएबल सेक्टर में इतनी बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। खरीदारी करके चलना है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। सपोर्ट है आपका अराउंड 9.40 रुपए 9.30 रुपए के आसपास का। पहला टारगेट इज अराउंड 12 रुपए का, सेकंड टारगेट इज अराउंड आपका 14 रुपीज का। स्टॉक रुकने वाला नहीं है, ये आप ध्यान रखना कि स्टॉक रुकने वाला नहीं है। तो बिल्कुल भी यहाँ पर ट्राई नहीं करना है कि आप बेच के निकलो या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करो। सेकंड सपोर्ट है आपका 8.50 रुपए का, यहां तक भी अगर गिरावट होती है दैट इज एक्सेप्टेबल। मार्केट में अच्छा मौका है खरीदारी करके पैसा बनाने को, तो बिल्कुल यहाँ पर पैसा बनाओ, चूकना नहीं है, क्योंकि जिस तरह का स्टॉक है, जिस तरह का मूड सेट हुआ है यहाँ पे बाजार में, छोटे स्टॉक्स पे दाव लगेगा। छोटे स्टॉक से मेरा मतलब है पेनी स्टॉक्स में। आप देखेंगे कि एक साल से स्टॉक में कोई बहुत बड़ी रैली यहाँ पर नहीं थी, अब यहाँ पर जो स्टॉक निकला है तो अच्छे लेवल्स को टच करेगा, ठीक है। उसके पीछे कई बड़े कारण है जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। जहां तक बात रही आरएसआई की, 66 का आपका आरएसआई स्ट्रॉन्गली बुल रन में है। हिस्टोग्राम अगर आप देखेंगे अपर साइड बनना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि खरीदारी बढ़ी है। और आप देखेंगे मैग्डी, तो मैग्डी स्ट्रॉन्गली बुल रन में है। चार्ट पैटर्न जिस तरह का सिग्निफिकेंस है, चार्ट पैटर्न जो सिग्निफाई कर रहा है दैट इज ऑलरेडी इन द बुलिश जोन, दैट इज ऑलरेडी इन द बाइंग जोन, बाइंग जोन में आपका स्टॉक लाई करता है। तो खरीदारी करो, 14 रुपए का सेकंड टारगेट, 12 रुपए का पहला टारगेट लेकर के चलना है। स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव बाय करने की मेरी राय है आपको यहाँ पे। जहां तक बात रही बाजार की, देखिए बाजार के हालात काफी अच्छे हैं। लार्ज कैप में अच्छी रिकवरी है, स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़ा लैग जरूर कर रहे हैं, और पेनी स्टॉक्स में बहुत अच्छी रैली है। अगर आप देखेंगे जिन स्टॉक्स में जितनी तेजी से गिरावट हुई थी उन स्टॉक्स में उतनी तेजी से रिकवरी है। बजाज फिनसर्व हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, कोटक बैंक हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, ग्रसिम हो गया, ये टॉप 5 गेनर्स रहे हैं आज के। और इनमें अगर आप चार्ट इनका देखेंगे आपको पता लगेगा कि इनमें उतनी ही तेजी से प्रीवियसली गिरावट भी हुई थी। अभी की बात करो अगर आप, तो अभी के लिए बाजार में FII सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को, नेट बायर्स हैं। और DII अगर आप देखेंगे 550 करोड़ के करीब का माल इन्होंने उठाया था करके बाजार में, तो दोनों ही पक्ष यहाँ पर खरीदारी में है। और जब यहाँ पर FII बाइंग कर रहे हैं, DII बाइंग करके मार्केट को संभाल रहे हैं, दैट्स द टाइम रिटेल इन्वेस्टर मस्ट टेक मनी। यहाँ पर आपको मनी बनाने का मौका है, यू मस्ट मेक मनी एट दिस टाइम, क्योंकि इन्वेस्ट करते हो, पैसा बनाते हो, इसे ही बाजार है, बुलिश बाजार है ना, यहीं पर पैसा बनेगा आपका। अगर गिरावट का बाजार है वहां पर आपको नहीं, ये शॉर्ट टर्म में ही बनेगा, बट बहुत अच्छा मुनाफा आपको यहाँ पर बनेगा। 9 रुपए के आसपास का स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है, 3 महीने में आप देखेंगे कि स्टॉक आपको डबल पैसा कर सकता है अगर बाजार इसी तरह से सपोर्टिव रहता है तो। अदरवाइज 12 रुपए और 14 रुपए का टारगेट लेकर खरीदारी करो, शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है। लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कमेंट बिलो, अगर पूछना हो तो। थैंक यू।